दोस्तों, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं और आप वेब कुकीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि वेब कुकीज क्या होती है और वेब कुकीज से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वेब कुकीज क्या होती है, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, वेब कुकीज एक प्रकार से एक फाइल होती है जो कि सर्वर के द्वारा ब्राउजर को भेजी जाती है, ब्राउजर के द्वारा सर्वर को वापस भेजी जाती है, जिससे वह सर्वर से जुड़ा रह सके। वेब कुकीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसे HTTP कुकीज, वेब कुकीज या कुकीज कहा जाता है। वेब कुकीज जो होती है वह यूजर की सुरक्षा के लिए काम में ली जाती है। और वेब कुकीज दो प्रकार की होती है, आगे हम बताने जा रहे हैं कि वेब कुकीज दो प्रकार की होती है, क्या क्या होती है और क्या क्या लाभ है ये भी बताने जा रहे हैं। यूजर द्वारा इंटरनेट पर सर्च किए गए या फिल किए गए इन्फॉर्मेशन को सर्वर द्वारा सेट किया जाता है, सर्वर द्वारा सेट किए गए एक टाइम पीरियड तक स्टोर करके रखता है वेब कुकीज। अब इसमें होता क्या है, अब हम बात कर लेते हैं इससे लाभ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को खोलते हो और तो आपने जैसे ही वेबसाइट को ओपन किया किसी ब्राउजर पे और क्या काम हुआ कि आपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया। जैसे ही ब्राउजर को क्लोज करते हैं लेकिन हमें फिर उसकी जरूरत पड़ गई तो हम लोग क्या काम करते हैं, हिस्ट्री में जाकर के उसको सर्च कर लेते हैं। लेकिन जैसे हिस्ट्री में सर्च करते हैं तो हमें तुरंत ओपन हो जाती है, जबकि हम पहली बार कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं तो वो टाइम लेता है। वहां पे होता क्या है कि उसने आपकी कुकीज बना लिया, हिस्ट्री बना लिया, जिससे होता क्या है कि वह आपकी इन्फॉर्मेशन को मतलब कैचे मेमोरी में रख लिया और जान लेता है कि आप इसी चीज को सर्च करना चाहते हैं और बहुत टाइम नहीं लगता है ढूंढने में, तुरंत हमें डिस्प्ले हो जाती है। अब कुकीज से क्या लाभ हो सकते हैं, तो कुकीज जो होता है वह एक यूजर का टाइम बचाता है और डेटा भी कह लीजिए, टाइम और डेटा दोनों बचाता है। कुकीज के द्वारा यूजर किसी वेब पेज को दोबारा आसानी से खोल सकता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कुकीज से क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली चीज तो कुकीज को हम लोग आसानी से डिलीट कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि इंटरनेट की सुरक्षा के लिए कुकीज को समस्या माना गया है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके हम लोग कुछ सर्च करते हैं बार बार, या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, हालांकि स्पेशली हम गूगल की बात कर रहे हैं, मतलब वेब ब्राउजिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं उसी प्रकार से उसी रिलेटेड हमको बार बार एड्स वगैरह दिखाई देते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमने ये सर्च किया, अब वो क्या काम करेगा, आपका इंटरेस्ट जान जाएगा कि आप क्या क्या चीज सर्च करते हो मतलब अपने वेब ब्राउजर के द्वारा। तो यह वेब कुकीज के नुकसान है। अब बात आती है वेब कुकीज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। पहला होता है सेशन कुकीज। सेशन कुकीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं और जैसे ही अपने वेब ब्राउजर को बंद करते हैं वैसे ही सारे जो हमारे कुकीज होते हैं वह ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो ये हमारा होता है सेशन कुकीज, जितनी देर के लिए हमने काम किया उतनी देर तक ये ओपन रहा, उसके बाद बंद हो गया कुकीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है परमानेंट कुकीज। अब परमानेंट कुकीज के अंतर्गत क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो वेब ब्राउजर को बंद करने के बाद भी हमारे कुकीज के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती हैं। जैसे मान लीजिए कि शॉपिंग साइट है, अब मैंने कुछ सर्च किया जो कि एक महीना, एक दिन या एक साल तक हमारे इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।